हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम सबमिट सिंपल। सो आर्ट एंड कल्चर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अब जो चैप्टर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इज दिस, एंड इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इस चैप्टर को अगर आप पढ़ो तो बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, तो कई लोग इसको नहीं पढ़ पाते हैं, इस कारण से भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लोग अपने से पढ़ नहीं पाते। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स की। दो पार्ट में ये वीडियो रहेगा, एक पार्ट में कंप्लीट करना इसको पॉसिबल नहीं क्योंकि ये एक से डेढ़ घंटे ले लेगा, अगर डेढ़ दो घंटे का वीडियो बन जाएगा अगर हम एक वीडियो में कंप्लीट करना चाहते हैं। तो एक पार्ट जो इसमें हम बात करेंगे नगरा और द्रविड़ा आर्किटेक्चर की, उसके बाद हम अगले पार्ट में जो बाकी का आर्किटेक्चर स्टाइल है नगरा द्रविड़ा और पंचायतन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा वेसारा और स्टार टोपोग्राफी के जो टेम्पल्स हैं उनकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर की, तो सबसे पहले इसमें जो भी टेम्पल्स आएंगे उनकी लोकेशन ज़रूर याद रखना। लोकेशन अगर आप याद रखते हो तो काफी इंपॉर्टेंट आपका एक एस्पेक्ट क्लियर हो जाता है कि कौन सा मंदिर कहां पर है, किसने बनवाया था। जैसे कंदरिया महादेव टेंपल का नाम है, ये खजुराहो का बहुत इंपॉर्टेंट टेंपल है, खजुराहो का कंदरिया महादेव टेंपल। तो ये लोकेशन जैसे मैं बताता हूँ लिखते जाना, मैच द कॉलम टाइप में पूछ सकते हैं। बेसिक फॉर्म्स ऑफ हिंदू टेंपल अगर आप देखो तो अगर सबसे बेसिक टेंपल्स की अगर हम बात करते थे जो पहले के ज़माने के टेंपल रहे होंगे, तो स्टार्टिंग में एक केव लाइक सैंक्टम, एक केव लाइक गुफा की जैसे सैंक्टम रहता था, जहाँ जिसको गर्भगृह बोलते थे, वूम्ब हाउस बोलते थे अर्ली टेंपल्स में। बहुत बेसिक टेंपल्स थे जिनमें केवल आपको यही मिलता है, एक एंट्रेंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाता था। गर्भगृह इसलिए उसको गर्भगृह कहते थे क्योंकि वहाँ पर मेन डीटी जो रहती थी उसको हाउस किया जाता था, मेन डीटी को वहाँ रखा जाता था, ठीक है ना। एक एंट्रेंस रहता था टेंपल का और एक हॉल टाइप का, जैसे जहाँ पे आप मंदिरों में जाते हो ना आज खड़े होकर जहाँ पे पूजा करते हो, तो जो एंट्रेंस के बाद थोड़ा सा एरिया रहता है जहाँ पे लोग खड़े होते हैं, बरामदा जिसको बोलते हैं, तो हॉल टाइप का जो रहता है उसको हम बोलते हैं मंडपा, ओके, उसको मंडपा बोलते थे। और इसके बाद आगे के जो टेंपल, जो 5th century AD के बाद जो टेंपल थे, तो उनके ऊपर जो गर्भगृह के ऊपर एक कर्विंग शिखर बनाया जाने लगा नॉर्थ इंडिया में, शिखर ऊपर से, और साउथ इंडिया में इसी को विमान बोलते थे। इस तरह का टेंपल के सबसे ऊपर मंदिर जब आप बनाते तो इसी तरह से बनाते ना, तो ये जो था ये शिखर था जो कि बाद में 5th century AD के बाद शुरू हुआ और इसी को विमान बोलते थे इन साउथ इंडिया। एक वाहन होता था, वाहन उसे बोलते जिसमें डीटी बैठती है, जैसे स्टैंडर्ड कभी कभी मंदिर को भी वाहन के फॉर्म में बनाया जाता है, जैसे कोणार्क का मंदिर का ना देखो तो वो खुद एक रथ के समान है जिसमें 24 चक्के भी लगे हुए हैं ना, तो वो खुद है। तो यहाँ जो नॉर्थ इंडिया में जो डेवलप हुआ टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल, उसको हम बोलते हैं नगरा आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं नगरा स्टाइल, ओके। तो नगरा स्टाइल जो था वो नॉर्थ इंडिया का था। इसी चीज़ को अगर हम साउथ इंडिया में देखें, जो टेंपल आर्किटेक्चर का स्टाइल था साउथ इंडिया का, वो कहलाता है द्रविड़ा आर्किटेक्चर ऑफ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो नगरा नॉर्थ इंडिया, एन से नगरा, एन से नॉर्थ इंडिया, द्रविड़ा से आपका साउथ इंडिया, और तीसरा जो था वो था आपका हाइब्रिड था तीनों का, वो था वेसारा स्टाइल। तो अगर आपसे UPSC में से अब बेसिक क्वेश्चन पूछता है कि वेसारा क्या है, तो वेसारा इज बेसिकली अ हाइब्रिड इंडिपेंडेंट स्टाइल डेवलप्ड बाय सेलेक्टिंग द फीचर्स ऑफ नगरा एज वेल एज द्रविड़ा। तो वेसारा वो स्टाइल था जिसमें नगर के और द्रविड़ के दोनों के आपको फीचर्स मिल जाते, ठीक है, हाइब्रिड स्टाइल था। तो ठीक है ना, ये आपको बता दिया, बेसिक आपको स्टार्टिंग कर दी। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग में आइकोनोग्राफी क्या होती है। द स्टडी ऑफ इमेजेस ऑफ डीटीज जो होती है वो फॉल करती है अंडर द सेक्शन ऑफ हिस्ट्री कॉल्ड आइकोनोग्राफी। तो आइकोनोग्राफी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ इमेजेस ऑफ डीटीज, ओके, स्टडींग द इमेजेस ऑफ डीटीज, उनके सिंबल्स पढ़ना, डीटीज की सारी चीज आती है उनके अंदर, ठीक है ना। अब कुछ और बेसिक चीज़ें हैं टेंपल्स की, जैसे कि अगर आप गेट्स में देखोगे जो टेंपल के गेटवे हैं उसमें जो नॉर्थ इंडियन टेंपल्स हैं वहाँ पे आपको गंगा और यमुना रिवर गॉडेसेस मिलेंगी, ओके। रिवर गॉडेसेस यूजुअली जो होती हैं गर्भगृह के एंट्रेंस में नगरा आर्किटेक्चर में पाई जाती है। अगर आपसे कोई पूछे गंगा यमुना, जैसे UPSC स्टेटमेंट दे सकता है आपको कन्फ्यूज करने के लिए कि इन द द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन द एंट्रेंस हॉल ऑफ गर्भगृह रिवर गॉडेसेस लाइक गंगा यमुना वर फाउंड, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो नगरा स्टाइल में होता है ना कि द्रविड़ा में, वहीं द्रविड़ा स्टाइल में क्या होता है, द्वारपा वो एक जो मिथुनाज होते हैं द्रविड़ा टेंपल में, आपके मिथुनाज रहते हैं, ठीक है ना। द्वारपालास जो होते हैं वो आपके द्रविड़ा में पाए जाते हैं, सॉरी द्वारपालास जो होते हैं वो आपके डोर कीपर्स कहलाते हैं, वो आपके गेटवे में पाए जाते हैं इन द द्रविड़ा आर्किटेक्चर। द्वारपाला का कंसेप्ट जो है
द्वारपाला कंसेप्ट जो है आपका, वो आपके कहाँ पाए जाते हैं, इन द द्रविड़ आर्किटेक्चर। फिर उसी तरीके से मिथुनास क्या है, इरोटिक इमेजेस होती हैं जो मिथुनास के अंदर आती हैं। द नवग्रहास, द नाइन ऑस्पिशियस प्लैनेट्स, यक्षास आर ऑल्सो प्लेस्ड एज द एट द एंट्रेंस। एंट्रेंस की बात कर रहे हैं कि एंट्रेंस में क्या क्या चीजें होती है, नगर में स्पेशली रिवर गॉडेसेस गंगा यमुना। द्वारपालाज आपका का जो कंसेप्ट है वो आपका साउथ इंडिया में है। फिर मिथुनास भी है इरोटिक इमेजेस, नवग्रहास हैं जिनको नाइन ऑस्पिशियस प्लैनेट्स कहते हैं, और यक्षास ये सारे गेटवेज में रहे जाते हैं, ठीक है ना, याद रखना। अष्ट दिक्पालास क्या होते हैं, अष्ट दिक्पालास द डीटीज ऑफ एट डायरेक्शंस, द डीटीज ऑफ एट डायरेक्शंस आर नोन एज अष्ट दिक्पालास। ये बेसिकली आठ अलग अलग जगहों में प्लेस किए जाते हैं, अलग अलग दिशाओं की तरफ ये पॉइंट करते हैं, आउटर वॉल ऑफ टेंपल में ज़्यादातर लगे रहते हैं। और बहुत सारे एलिमेंट्स भी होते हैं टेंपल के, जैसे कि गवक्षा, व्याला, कल्पलता, अमलका, कलशा। ये आपको अमलका और कलशा मैं आपको दिखाऊंगा अभी, एक टेंपल का आर्किटेक्चर यहाँ पे। अब ये आपको जो आर्किटेक्चर दिख रहा है, देखो ये जो दिख रहा है ना, ये है आपका नगरा स्टाइल। नगरा स्टाइल में आपको देखो सबसे पहले आपको गर्भगृह, जो मेन बीच का गर्भगृह वाला स्थान है, वहाँ पे मेन डीटी हाउस की जाती है। उसके ऊपर आपको ये जो पिरामिडल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये कहलाता है शिखर, दिस इज नोन एज द शिखरा। ये देखो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये आपका शिखरा कहलाता है, ठीक है ना। फिर आपका ये एक अबैकस टाइप का जो राउंड अबैकस है, ये अमलका कहलाता है। राउंड अबैकस जो रहता है ऊपर सबसे हेड पे, वो अमलका कहलाता है। और अमलका के ऊपर एक क्राउनिंग जो एलिमेंट है वो आपका कलश कहलाता है, ठीक है ना। तो याद रखना कि अमलका एक बेस हो गया, जैसे कि आपको मैंने जब सारनाथ बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक लोटस का बेस है ना, एक अबैकस है, राउंड अबैकस है, उसके नीचे लोटस है, ये सारी चीज़ बताई थी ना। तो वो जो राउंड बेस है वो यहाँ पे अमलका है, और उसके ऊपर जो क्राउनिंग एलिमेंट है वो आपका कलशा है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नगरा आर्किटेक्चर की स्टाइल की। तो मैंने बताया कि जैसे साउथ इंडिया में द्रविड़ा था, वैसे ही यहाँ पे नगरा था। यहाँ देखो एक डिफरेंस लिखा है, अनलाइक इन साउथ इंडिया इट डज नॉट यूजली हैव इलैबोरेटेड बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज। देखो साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स थे उसमें इलैबोरेटेड बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज थी, नगर जो टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है उसमें इलैबोरेट बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज नहीं होते हैं। तो ये एक डिफरेंस है जो कि स्टेटमेंट आप याद रखना, क्योंकि यूपीएससी इसको पूछ सकता है, इसमें इंटरचेंज कर देगा, साउथ इंडिया की जगह लिख देगा इन नॉर्थ, मतलब ये लिख देगा कि द्रविड़ा में इलैबोरेट बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज नहीं रहते, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि द्रविड़ा में रहते हैं इलैबोरेट बाउंड्री वॉल्स एंड गेटवेज, नगरा में नहीं रहते। तो ये आपको याद रखना है। और क्या दिक्कत है, जैसे कि यहाँ पे नगरा में ना शिखर बोलते हैं, जो ऊपर का एलिमेंट होता है उसे शिखर बोलते हैं, लेकिन द्रविड़ा में उसको विमान बोलते हैं। तो ये भी अपने आप में डिफरेंस है। द गर्भगृह इज ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर। नगर की एक खासियत ये है कि जो गर्भगृह होता है, यानी कि जहाँ पे मेन डीटी हाउस की जाती है, वो हमेशा टॉलेस्ट टावर के अंदर, जैसे अगर बहुत सारे ऐसे ऐसे टावर है ना, तो जो सबसे बड़ा टावर रहेगा उसके नीचे ही हमेशा गर्भगृह रहेगा, उसके नीचे ही हमेशा मेन डीटी रहेगी, ओके। एंड जो नगरा टेम्पल है वो शिखर के हिसाब से बहुत अलग अलग सब डिविजन्स में डिवाइडेड भी है। नगर टेम्पल जो होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू मेनी सब डिविजन्स बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द शिखरा, ठीक है ना, शेप ऑफ द शिखरा पे डिपेंड करते हैं। अब जैसे इसमें अलग अलग टाइप है, अब देखो द मोस्ट कॉमन नेम फॉर द सिंपल शिखर विच इज अ स्क्वायर एट द बेस एंड हुज वॉल्स कर्व और स्लोप इनवर्ड, मतलब जिसका बेस जो रहता है वो स्क्वायर रहता है, स्क्वायर एट द बेस एंड हुज वॉल्स कर्व और स्लोप इनवर्ड, जो अंदर की तरह इस तरह से आती है, इस तरीके से आता है, कर्व करता हुआ अंदर की तरह उसका जो ऊपर का टॉप रहता आता है, उसे हम बोलते हैं लैटिना स्टाइल का, लैटिना और रेखा प्रसाद टाइप ऑफ शिखर, ओके। उसको बोलते हैं क्या, लैटिना और रेखा प्रसाद टाइप ऑफ शिखर। तो ये आप याद रखना कि इसमें रेखा प्रसाद या लैटिना अगर आपसे पूछ ले कि किस तरह का शिखर होता है, तो इसका बेस स्क्वायर होता है एंड इसकी जो वॉल्स होती हैं दे कर्व और स्लोप इनवर्ड की तरफ स्लोप करके आती हैं। जो दूसरा मेजर टाइप है आर्किटेक्चर का वो है नगर का, वो है फमसाना, ओके। फमसाना बिल्डिंग्स टेंड टू बी ब्रॉडर एंड शॉर्टर देन लैटिना वंस। लैटिना जो कि जो हम रेखा प्रसाद पढ़ा हमने, उससे ये ब्रॉडर होती हैं एंड शॉर्टर होती हैं, छोटी होती हैं और थोड़ा चौड़ी होती हैं। देयर रूफ्स आर कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्लैब्स दैट जेंटली राइज टू अ सिंगल पॉइंट। ये ऐसे जेंटली ऐसे ऐसे राइज होती है टू अ सिंगल पॉइंट, है ना। तो ये आपका फमसाना बिल्डिंग कहलाती है, ठीक है, जेंटली राइज करती है टू अ सिंगल पॉइंट एंड डिफरेंट स्लैब्स आर देयर, मतलब एक एक स्लैब आपको दिखेगा अलग अलग, जैसे इस तरह से एक दिखेगा, फिर इस तरीके से आपको दिखेगा, फिर इस तरीके से आपको दिखेगा, तो एक काफ़ी मतलब बेस बड़ा ऐसे ऐसे यूं इस तरह से, तो आपको दिखेगा कि जेंटली एक राइज कर रहा है, अलग अलग स्लैब्स में राइज कर रहा है, वो फमसाना स्टाइल कहलाएगा।
फमसाना जो रूप्स हैं दे डू नॉट कर्व इनवर्ड. तो फमसाना और रेखा प्रसाद में क्या डिफरेंस है, रेखा प्रसाद में कर्व इनवर्ड हो रहा था लेकिन फमसाना में ऐसा इनवर्ड कर्व आपको नहीं दिखेगा. ओके, दे डू नॉट कर्व इनवर्ड, रादर देन दे स्लोप अपवर्ड ऑन ए स्ट्रेट इंक्लाइन. वो स्लोप की तरह रहती हैं, कर्व नहीं करती हैं, वो स्लोप रहती हैं, डायरेक्टली स्लोप रहती हैं एंड टू अ स्ट्रेट इंक्लाइन. ये आपका डिफरेंस हो गया इन द फमसाना स्टाइल एंड रेखा प्रसाद स्टाइल. जो तीसरा डिवीजन है वो है वल्लभी टाइप. ओके, द थर्ड डिवीजन इज वल्लभी टाइप एंड दे आर रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स विद रूफ दैट राइज इनटू अ वॉल्टेड चैम्बर. एक वॉल्ट लाइक चैम्बर राइज होता है, वॉल्ट की तरह चैम्बर राइज होता है, वो आपका कहलाता है वल्लभी टाइप. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे एक टेम्पल का है, देखो सन टेम्पल कोणार्क का एग्जाम्पल दिया है. द एजेस ऑफ द वॉल्टेड चैम्बर आर राउंडेड, जो एज रहती है वॉल्टेड चैम्बर की वो राउंड रहती हैं. लाइक द बैम्बू और वुडन वैगन्स दैट वुड हैव बीन ड्रॉन बाय वुलेक्स इन द एंशियंट टाइम. तो उस तरह से रहती है जैसे कि नहीं बैल खींचते थे जिनको वैगन्स को, उनकी जैसे राउंडेड रहती उस तरीके से रहती है. इसीलिए इनको जो वल्लभी टाइप्स इनको वैगन वॉल्टेड बिल्डिंग्स भी कहा जाता है. तो अगर आपसे कोई पूछे कि वैगन वॉल्टेड बिल्डिंग्स किन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर को जाता है टेंपल का, तो वल्लभी टाइप ऑफ नगरा आर्किटेक्चर. तो याद रखना कि नगरा के ही तीन टाइप बता रहा हूं मैं, लैटिना रेखा प्रसाद पहला, फमसाना दूसरा. लैटिना रेखा प्रसाद में कर्व इनवर्ड हो रहा था मैंने बताया आपको, और फमसाना मैंने आपको बताया कि वो इनवर्ड नहीं होता, स्लोप होता है अपवर्ड की तरफ, प्लेन स्ट्रेट इंक्लाइन में होता है. तीसरा मैंने आपको वल्लभी टाइप बताया जिसमें वॉल्टेड चैम्बर्स की तरीके से होता है, ये वल्लभी टाइप है. इनको वैगन वॉल्टेड बिल्डिंग्स भी कहा जाता है, दे आर नोन एज वैगन वॉल्टेड बिल्डिंग्स, याद रखना. अब हम लोकेशन वाइज देखें तो सेंट्रल इंडिया की सबसे पहले बात चल रही है. सेंट्रल इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, जैसे कि आपका विदिशा वाला जो रीजन हो गया मध्य प्रदेश का, वहां पे टेंपल्स थे उदयगिरी की, वहां पे गुफाएं भी आपको मिलती हैं. इसके अलावा यूपी में एक जगह है देवगढ़, देवगढ़. ओके, उत्तर प्रदेश में देवगढ़ नाम की जगह है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है उत्तर प्रदेश में. वहां पे एक टेंपल बहुत इंपॉर्टेंट मिला है, जैसे कि उसका नाम है दशावतार विष्णु टेंपल. ओके, दशावतार विष्णु टेंपल वहां पे आपको मिलता है, जिसमें एक मुद्रा भी है. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है, शेषयान विष्णु, इसे शेषयान विष्णु कहा जाता है. तो अगर आपसे कोई पूछे कि शेषयान विष्णु की कहां पे टेंपल है, तो वो दशावतार टेंपल जो कि देवगढ़ में है और वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना. तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. इसको जान के रखना, लेट मी गो टू दैट पेज, थोड़ा पता नहीं कहाँ टच हो जाता है कभी कभी, ऊपर नीचे कर देता है ना. सो लेट मी गो टू दैट पेज, देन वी विल बी स्टार्टिंग अगेन. ओके, काफ़ी बड़ा चैप्टर है इसीलिए इसको मैंने बताया कि दो पार्ट में अपन तोड़ के करेंगे, ठीक है ना. देखो अब यहाँ पे हमने बात की शेषयान विष्णु दशावतार टेंपल देवगढ़ की, ठीक है ना. तो ये आप रख, ये जो बना था टेंपल, ये बना था अर्लियर 6th सेंचुरी AD में बना था, अर्ली 6th सेंचुरी AD में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जांपल है पंचायतन स्टाइल ऑफ नगर आर्किटेक्चर का. नगर के अंदर ही एक स्टाइल है पंचायतना, ये क्वेश्चन UPSC पूछ चुका है कि वॉट इज दिस पंचायतन, पंचायतन क्या होता है. तो पंचायतन के बारे में बता दो, इट्स अ आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ टेंपल बिल्डिंग, टेंपल बिल्डिंग का आर्किटेक्चर स्टाइल है. यहाँ पे क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर प्लिंथ होता है, इसमें क्या होता है कि मेन DT रहती है बीच में और जो इसके चार कोने रहते हैं उसमें चार अलग अलग DTs रहती हैं, ठीक है ना. यहाँ पे चार अलग अलग कोने, तो इन टोटल करोगे तो ये पांच है ना पंचायतना, इसीलिए इसको पंचायतन बोलते हैं, ठीक है ना. चार कॉर्नर में सब्सिडरी श्राइन्स रहती हैं और बीच में जो रहती है वो मेन DT रहती है, ठीक है ना. रेक्टेंगुलर प्लिंथ में बनता है, टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल है, नगर के अंदर आता है और इसमें एक DT बीच में रहती है और चार अलग अलग चार कॉर्नर्स में DT रहती है रेक्टेंगुलर उसमें प्लिंथ में. इसको पंचायतन बोलते हैं, जो साइड में DT रहती है उनको सब्सिडियरी श्राइन्स कहा जाता है और बीच में जो रहती है वो मेन श्राइन कहलाती है, ठीक है ना. शेषयान के बारे में मैंने आपको दिखा दिया, उसकी फोटो ही दिखा दी आपको, है ना. तो बेसिकली वो क्या है, वो एक विष्णु है, वेयर ही इज नाउ रिक्लाइनिंग ऑन द शेषनाग कॉल अनंत, अनंत शेषनाग में वो लेटे हुए हैं. ओके, तीन अलग अलग विष्णु के रिप्रेजेंटेशन है आपको यहाँ मिलेंगे, शेषयान, नर नारायण और गजेंद्र मोक्ष. ओके, गजेंद्र मोक्ष बेसिकली क्या है, स्टोरी ऑफ अचीविंग मोक्ष सिंबॉलिकली कम्युनिकेटेड बाय विष्णु सप्रेशन ऑफ एन असुरा हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ एन एलिफेंट. तो मोक्ष की स्टोरी है गजेंद्र मोक्ष, जिसमें विष्णु ने एक मतलब एक असुर ने हाथी का रूप ले लिया था, उसको वहां से उन्होंने मोक्ष प्राप्त करवाया. तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना. दिस वॉज द पार्ट.
देर आर थ्री मेन रिलीफ ऑफ द विष्णु ऑन द टेम्पल. ये मैंने आपको बताया ना कि इस टेम्पल में तीन मेन रिलीफ हैं विष्णु की. ये देवगढ़ के दशावतार टेम्पल की ही बात चल रही है अभी. उसमें मैंने शेष यान बता दिया आपको, गजेंद्र मोक्ष और नर नारायण, ये तीनों बता दिया आपको, ठीक है ना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द टेम्पल इज अ वेस्ट फेसिंग टेम्पल विच इज लेस कॉमन एज मोस्ट टेम्पल्स आर ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग. जो देवगढ़ का टेम्पल है वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये वेस्ट फेसिंग टेम्पल है. तो ये भी एक फैक्ट याद रखना, इट्स अ वेस्ट फेसिंग टेम्पल एंड मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स जो है यहाँ पे वो ज्यादातर या तो ईस्ट फेसिंग है या नॉर्थ फेसिंग टेम्पल आपको मिलेंगे. तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पे भी आपको मिलेगा. फिर यहाँ पे एक टेम्पल का नाम है, इसकी लोकेशन लिख लो, विश्वनाथ टेम्पल खजुराहो. खजुराहो में बेसिकली जो बना था सब वो चंदेल डायनेस्टी के टाइम पे बना था. चंदेलाज ने काफी कुछ बनवाया था खजुराहो में. तो ये भी आप फैक्ट याद रख सकते हो, विश्वनाथ टेम्पल जो है वो आपका खजुराहो में है. अभी तक मैंने आपको क्या बता दिया, नगरा आर्किटेक्चर में बता दिया, उसके तीन टाइप बताए, लतीना रेखा प्रसाद बताया, फमसाना बताया, वल्लभी टाइप बताया. फिर मैंने आपको पंचायतन बताया और उसमें आपको मैंने देवगढ़ का जो दशावतार टेम्पल है उसकी काफी ज्यादा जानकारी दी. वेस्ट फेसिंग है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई. इसके बाद एक टेंपल का नाम आता है लक्ष्मण टेंपल. लक्ष्मण टेंपल जो है वो भी विष्णु को डेडिकेटेड है. इट्स अ ग्रैंडेस्ट टेंपल ऑफ खजुराहो. खजुराहो का ग्रैंड टेंपल है. 954 एडी में बना था. चंदेला किंग धंगदेव ने इसको बनवाया था. तो मैंने जैसे बताया कि चंदेलाज ने बेसिकली वहां पे कंस्ट्रक्शन करवाया, तो चंदेला किंग था धंगदेव, उसने ये बेसिकली खजुराहो में टेंपल बनवाया था. लक्ष्मण टेंपल जिसको बोलते हैं, इट्स अ नगरा टेंपल आर्किटेक्चर स्टाइल एंड इट इज प्लेस्ड ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म एक्सेस्ड बाय द स्टेयर्स. तो आप स्टेयर्स के थ्रू जा सकते हैं. एंड वही मैंने जैसे था कि एक हॉरिजॉन्टल फ्लूट डिस्क रहती है, उसको अमलका बोलते हैं. अमलका के ऊपर एक कलश लिखा रहता है, कलश रहता है ना. ये भी मैंने आपको बताया है ना, जो क्राउनिंग एलिमेंट है. एंड अमलका एंड कलश को मिला करके, ये बेसिकली इन दोनों को जोड़ करके क्राउनिंग एलिमेंट बोला जाता है. लेकिन जो बेस रहता है उसको बोलते हैं अमलका, और ऊपर जो रहता है वो कहलाता है कलश. इन दोनों को जोड़ करके जो बनता है वो पूरा एक वो कहलाता है, क्राउनिंग एलिमेंट कहलाता है, ठीक है ना. खजुराहो के टेम्पल्स जो हैं दे आर नोन फॉर देयर एक्सटेंसिव इरोटिक स्कल्पचर्स. इरोटिक स्कल्पचर्स के लिए जाने जाते हैं. द इरोटिक एक्सप्रेशन इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन एक्सपीरियंस एज स्पिरिचुअल परस्यूट एंड इज सीन एज अ लार्जर पार्ट ऑफ अ कॉस्मिक होल. मैनी हिंदू टेम्पल्स देयरफॉर फीचर मिथुन. हिंदू टेम्पल्स आपको मिथुन दिखाएंगे बहुत सारे. मिथुन बेसिकली दे आर द इरोटिक इमेजेस. ये मिथुनास जो होते हैं ये इरोटिक इमेजेस ही होती हैं जो कि टेम्पल्स में रहती हैं, ठीक है ना. देयर आर मेनी टेम्पल्स एट खजुराहो, मोस्ट ऑफ देम डिवोटेड टू हिंदू गॉड्स. There are some Jain temples as well. अब खजुराहो की बात चल रही है उसमें और इलेबोरेट करते हैं. खजुराहो में हिंदू टेम्पल्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन वहां पर जैन टेम्पल्स भी मिलेंगे. जैसे कि यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि खजुराहो इज हाउसिंग ओनली हिंदू टेम्पल्स, अगर स्टेटमेंट दे दे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वहां पर हिंदू टेम्पल भी और जैन टेम्पल भी है. तो उसमें जैन टेम्पल में 64 योगिनी टेम्पल है, एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है जो कि वहां पर पाया जाता है. तो ये नाम याद रखना, 64 योगिनी जो टेम्पल है ये भी वहाँ पे आपको मिलेगा. यहाँ पे लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो का एक डांस क्लास का इमेज आपको दिख रहा होगा, तो ये भी लक्ष्मण टेम्पल की लोकेशन ज़रूर याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सन टेम्पल एक मोढ़ेरा गुजरात में भी है, ये आगे हम वेस्ट इंडिया में बात करेंगे. तो ये लोकेशन याद रखना, सन टेम्पल आपका एक कोणार्क में बात कर ली हमने इधर उड़ीसा साइड, और दूसरी जो है मोढ़ेरा गुजरात का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है. द टेम्पल्स ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग गुजरात एंड राजस्थान. ये वेस्ट इंडिया में आते हैं, गुजरात राजस्थान के जो टेम्पल्स हैं बेसिकली वो वहाँ पर आते हैं. द मोस्ट एग्जूबरेंट एंड फेम्ड इज द मैनिपुलेटेबल सॉफ्ट वाइट मार्बल विच इज ऑल्सो सीन इन सम ऑफ द 10th to 12th सेंचुरी जैन टेम्पल्स इन माउंट आबू. अब एक जो वेस्ट इंडिया का मेन टेम्पल है वो माउंट आबू में है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. माउंट आबू जो लोकेशन है वो आपका राजस्थान में आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर जैन टेम्पल्स बने हैं. तो ये आपको याद रखना है. और इसके अलावा शामला जी गुजरात में एक है रीजन है शामला जी गुजरात में, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल आपको टेंपल्स मिल जाएंगे. सो दैट इज़ द थिंग. सन टेंपल आपको मोढ़ेरा गुजरात में भी मिलेगा. सन टेंपल मोढ़ेरा गुजरात बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ सकता है. सन टेंपल एट मोढ़ेरा डेट्स बैक टू अर्ली 11th सेंचुरी. अर्ली 11th सेंचुरी का टेंपल है सन टेंपल जो कि मोढ़ेरा में है. इसको बनाया था राजा भीमदेव वन ने. किसने बनवाया था? सन टेंपल जो गुजरात का है मोढ़ेरा में, उसको बनवाया था 11th सेंचुरी में राजा भीमदेव, जो कि सोलंकी डायनेस्टी के थे. सोलंकी डायनेस्टी के थे ये, ठीक है. 11th सेंचुरी में यानी कि 1026 एडी में, टू बी फ्रैंक, इन्होंने बनाया था. टू बी प्रिसाइज सॉरी, द सोलंकीज वर अ ब्रांच ऑफ लेटर चालुक्यास. अब देखो सोलंकीज का भी डिस्क्रिप्शन है कि वो किसकी ब्रांच थे, लेटर चालुक्य. तीन क्वेश्चन आपको यूपीएससी के यही मिल सकते हैं स्टेटमेंट टाइप में कि सोलंकीज वर अ ब्रांच ऑफ राष्ट्रकूटा. अगर ये लिख दिया स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सोलंकीज वर अ ब्रांच ऑफ लेटर चालुक्य. दूसरा स्टेटमेंट दे सकते हैं कि सन टेंपल जो मोढ़ेरा का है वो 5th सेंचुरी एडी में बना था, गलत हो जाएगा. 11th सेंचुरी एडी में बना था. तो यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे.
जो सन टेम्पल है यहाँ का बेसिकली, उसमें मैसिव रेक्टेंगुलर स्टेप्ड जो सन टेम्पल है बेसिकली यहाँ पे, उस यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखो सन टेम्पल में जो यहाँ पे है उसमें आपको बेसिकली क्या मिलेगा, एक मैसिव रेक्टेंगुलर स्टेप्ड टैंक मिलेगा जिसको हम सूर्य कुंड कहते हैं। तो यहाँ पे सूर्य कुंड मिलेगा मैसिव रेक्टेंगुलर जो कि यहाँ पे है, एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ सेक्रेड आर्किटेक्चर टू अ वाटर बॉडी सच एज टैंक, अ रिवर और अ पॉन्ड। तो यहाँ पे एक वाटर बॉडी भी है जो कि पास में ही है, सो दिस इज द थिंग विच इज देयर, मोढ़ेरा सन टेम्पल पॉन्ड यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो वेस्ट के टेम्पल्स रहते थे वहाँ पे आपको ये भी मिलेंगे, ह्यूज ऑर्नामेंटल आर्क टोरन लीड वन टू अ सभा टोरन, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एक आर्क टोरन है, फिर वहाँ पे एक असेंबली हॉल भी जिसको सभा मंडप बोलते हैं, सभा मंडप। आर्क टोरन, टोरन तो द्वार होता है, तोरन द्वार, आर्क द्वार है, उसके आगे आप जाओगे तो एक असेंबली हॉल टाइप की है, द्वार के आगे एक असेंबली हॉल है जिसको हम बोलते हैं सभा मंडप। मंडप मैंने आपको पहले बताया था कि एक रेक्टेंगुलर जो पूरा आगे आपका बरामदा टाइप का रहता है जहाँ पे मंदिर में गर्भगृह के सामने खड़े होते लोग, वो मंडपा कहलाता है। गेट तो आपका तोरण कहलाता है, गेटवे आपका तोरण द्वार कहलाता है, ठीक है ना, ये याद रखना। और वुड कार्विंग काफ़ी गुजरात में देखने को मिलेगी, वुड कार्विंग एंड स्कल्पचरल वर्क काफ़ी देखने को मिलेगा, तो ये भी एक फैक्ट याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेस्टर्न इंडिया टेम्पल्स कि वहाँ पे वुड कार्विंग और आपको स्कल्पचरल वर्क देखने को मिलता है। ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो ईस्टर्न इंडिया में आपका नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, बंगाल वाला रीजन, उड़ीसा वाला रीजन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे असम, बंगाल, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे काफ़ी रीजनल स्कूल्स डेवलप हुई जिन्होंने कि फिर आगे बढ़ाया। असम की अगर हम बात करें, ओल्ड सिक्स सेंचुरी स्कल्पचर डोर फ्रेम फ्रॉम द पर्वतिया नियर तेजपुर, तो द पर्वतिया एक जगह है जो कि तेजपुर के पास है, वहाँ पे आपको एक 6th century AD का एक डोर फ्रेम मिलता है, तो वो पहला एक क्लासिक एविडेंस है एक टेम्पल का। एक शिव सागर टेम्पल है असम में, लोकेशन दिख रहे होगी, शिव सागर असम में है, ये भी टेम्पल है। देन रंगागोरा टी स्टेट जो है तीनसुखिया असम में, रंगागोरा टी स्टेट नियर तीनसुखिया असम, बियर विटनेस टू इम्पोर्ट ऑफ गुप्ता आइडियम्स इन दैट रीजन, तो गुप्ता से काफ़ी कुछ उन्होंने लिया है। तीनसुखिया रीजन असम का जो था रंगागोरा टी स्टेट में, वो भी काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है टेंपल आर्किटेक्चर को लेके। लेकिन 12th to 14th century का देखो अगर, तो एक डिस्टिंक्ट स्टाइल डेवलप हुई असम में, एक डिस्टिंक्ट अलग तरीके की स्टाइल डेवलप हुई असम में, ठीक है। ये कैसे डेवलप हुई, ये तब हुई जब ताई अहोम जो थे ना, ताईज जो थे, दे माइग्रेटेड फ्रॉम अपर बर्मा, ओके। तो ये जो थे ताई अहोम जो थे, ताईज जो थे, दे माइग्रेटेड फ्रॉम अपर बर्मा, और वो यहाँ पर डोमिनेंट जो था इस समय बंगाल में वो था पाला आर्किटेक्चर। आप सबको होता है कि जो पालास थे, धर्मपाला, ये सब जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ये सारी चीज़ें बनवाई थी, देवपाला, धर्मपाला, धर्मपाला ने शायद विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाई थी, तो ये जो थे बेसिकली ये पाला डायनेस्टी के थे, ये बंगाल में लीड कर रहे थे। ताईज जो थे, वो ताई अहोम जो थे, वो बर्मा से आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने अहोम स्टाइल मिक्स कर दी विद द डोमिनेंट पाला स्टाइल, और यहाँ पे एक नई स्टाइल बनी जिसमें कि एक टेंपल है कामाख्या टेंपल, बहुत इंपॉर्टेंट शक्तिपीठ कहलाता है वो, गॉडेस कामाख्या के ऊपर है, ये उस समय बना, फिर इसके मिक्सर के बाद ये बना, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कामाख्या देवी टेंपल, ये इंपॉर्टेंट है याद, गुवाहाटी में है एंड काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बंगाल की वहीं बात करें तो दिस स्टाइल ऑफ स्कल्पचर ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 9th and 11th centuries इन बंगाल ये डेवलप हुई, इसको पाला स्टाइल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पाला डायनेस्टी वहां पे मिड 13th century तक उसने बेसिकली रूल किया, एंड मिड 11th century तक रूल किया, उसके बाद जो डायनेस्टी रूल की उसको सेना डायनेस्टी कहते हैं, तो ठीक है, याद रखना पहले पाला, पाला के बाद कौन आया, सेना। तो ये भी हमने आपको बता दिया कि पहले पाला स्टाइल आई फिर सेना स्टाइल आई, है ना। पालास जो थे वो बुद्धिस्ट और हिंदूज दोनों के लिए थे, याद रखना, बुद्धिस्ट और हिंदूज दोनों को उन्होंने प्रेफरेंस दी थी, बुद्धिज्म को भी दी थी और हिंदूज को भी दी थी। यहाँ पे एग्जांपल देखो, 9th century सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल बराकर बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट में है, तो याद रखना सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल अगर आपसे पूछे कोई, बराकर बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट में है, एंड यहाँ पे भी वही है कि पाला आर्किटेक्चर स्टाइल आपको देखने को मिलेगी, सिद्धेश्वर महादेव में पाला आर्किटेक्चर स्टाइल देखने को मिलेगी। टेराकोटा टेम्पल आपका विष्णुपुर का एग्जाम्पल है यहाँ पे, टेराकोटा में, ये याद मत रखना लेकिन दिमाग में एक चीज़ बना सकते हो। एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो बंगाल के टेंपल्स रहते हैं, कर्विंग और स्लोपिंग साइड ऑफ द बैम्बू रूफ ऑफ अ बंगाली हट। यहाँ पे क्या होता है कि एक बेसिकली बैम्बू रूफ होती है, बंगाली हट में बैम्बू रूफ रहती है, एंड ये फीचर आपको बंगाल की इन रूफ्स टेंपल्स में भी देखने को मिलेगा, बिल्डिंग्स में भी देखने को मिलेगा, इनको बांग्ला रूफ कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना। बांग्ला रूफ जो रहती है कर्विंग और स्लोपिंग साइड होती है बैम्बू रूफ की, ठीक है, तो ये याद रखना, कर्विंग और स्लोपिंग जो साइड रहती है ऑफ बैम्बू रूफ वो आपका बांग्ला रूफ कहलाती है, इंपॉर्टेंट है।
उड़ीसा में देखो, द मेन आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ उड़ीसा टेम्पल्स आर क्लासिफाइड इन थ्री ऑर्डर. अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा के जो टेम्पल्स हैं वो तीन अलग अलग ऑर्डर्स में डिवाइडेड है. एक है रेखा पीड़ा, दूसरा है पीड़ा देओल और तीसरा खाकरा. ओके, तो रेखा पीड़ा पीड़ा पीढ़ा देओल एंड खाकरा. रेखा पीड़ा पीढ़ा देओल एंड खाकरा, ये याद रखना. द टेम्पल ऑफ उड़ीसा कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्टिंक्ट सब स्टाइल विद इन द नगरा ऑर्डर. नगरा के अंदर ही इनकी एक अलग सब स्टाइल थी, ठीक है ना. ये भी शिखरा के बेसिस पे ही थे, और शिखर जो कहलाते हैं उड़ीसा में उनको देओल बोलते हैं, देओल. ओके, देओल कहलाते हैं शिखर जो कि उड़ीसा वाले रीजन में, इसीलिए इनको रेखा पीड़ा पीढ़ा देओल एंड खाकरा कहलाते हैं, ठीक है. और फिर उसके आगे ड्यूल्स के आगे मंडप रहते हैं. मंडप मंडपास को जो उड़ीसा में है उनको जगमोहन कहा जाता है, ठीक है. तो मंडपा जहाँ पे मैंने बताया ना सब लोग इकट्ठे होकर पूजा करते हैं गर्भगृह के सामने, ये वाला जो हॉल टाइप का बरामदा रहता है, ये उड़ीसा में इसको जगमोहन कहलाता है ये, ठीक है. इट इज़ मतलब जगमोहना. और जो शिखर था वो कहलाता आपका देओल कहलाता है, ठीक है. तो उड़ीसा में थोड़ा डिफरेंस रहता है, तो ये आपको चीज़ें बतानी जरूरी है. होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है ना. यहाँ पे जो क्राउनिंग एलिमेंट है उसको क्राउनिंग मस्तक कहा जाता है, मस्तका कहा जाता है. एंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सजावट की जाती है, इंटीरियर्स आर वेरी वेल डेकोरेटेड. उड़ीसा टेम्पल्स यूजुअली हैव अ बाउंड्री वॉल. उड़ीसा के टेम्पल्स में आपको यूजुअली बाउंड्री वॉल देखने को मिलेगी. एट कोणार्क ऑन द शोर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल लाई द मेजेस्टिक रूइंस ऑफ सूर्य और सन टेम्पल, जो कि 1240 के समय बना था. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. सन टेम्पल किसने बनवाया था, मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया हुआ है ना. गंगा डायनेस्टी थी, तो कौन सा रूलर था जिसने बनवाया था, ये आपको एग्जाम आपको बताना है जरूर. गंगा डायनेस्टी के रूलर बनवाया था, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप मुझे बताना. सेम टेम्पल जो है वो हाई बेस में बना हुआ है. 8 हॉर्सेस हैं, देयर आर 8 हॉर्सेस एट द एंट्रेंस स्टेयरकेस. और होल टेम्पल दस कम्स टू रिजेंबल अ कोलोसल प्रोसेशनल चैरियट. पूरा जो मंदिर है वो एक चैरियट को रिप्रेजेंट करता है. 24 व्हील हैं, जैसे मैंने 12 पेयर व्हील के आपको देखने को मिलेंगे इसमें, तो दैट इज द थिंग. इसके अलावा हिल्स में भी टेंपल डेवलप हुए, जैसे कि आपको कुमाऊं गढ़वाल हिमाचल कश्मीर वाली जगहों में, वहाँ पे आपको टेंपल्स देखने को मिलेंगे. और जो हिल्स में डेवलप हुए वो बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों ट्रेडिशन डेवलप हुए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों फीचर आपको देखने को मिलेंगे. और आपको गर्भगृह शिखर रेखा प्रसाद लैटिना स्टाइली मंडपा ये सारी चीज़ें मिलेंगी. लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे वुडन आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना. जैसे कश्मीर में करकोटा पीरियड है, करकोटा पीरियड ऑफ कश्मीर. तो अगर आपसे कोई पूछे कि करकोटा पीरियड कहाँ पे था, कौन से रीजन में था, तो करकोटा जो पीरियड था वो कोटा राजस्थान में नहीं था, करकोटा पीरियड आपका कश्मीर में था. इट इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल जो कि पंडरे थान में एक टेम्पल है, पंडरे थान जो जगह है वहाँ पर जो टेम्पल बना 8th-9th century में, वो आपका करकोटा पीरियड के में ही बना, कश्मीर का. ओके, पंडरे थान. ओके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये भी आप याद रखना. एंड ये हिल्स के देखो टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस किस तरीके से रहते थे, वो यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह बनाए हुए हैं, ठीक है ना. तो ये आप देख सकते हो. ओके, ऑल्दो देयर आर एविडेंसेस ऑफ बोथ हिंदू एंड बुद्धिस्ट फॉलोइंग्स इन कश्मीर. कश्मीर में भी आपको हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों फॉलोइंग के मिलेंगे, लेकिन जो करकोटा का पंद्रह थन का टेम्पल वो हिंदू टेम्पल है, डेडिकेटेड टू शिवा. ओके, शिवा को डेडिकेटेड है. एंड ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है. देखो, ड्यू टू स्नोई कंडीशन जो कश्मीर है वहाँ पे स्नो ज़्यादा गिरती है, तो जो रूफ़ रहती थी वो पीक्ड रूफ रहती थी, एंड स्लैंड स्लोली आउटवर्ड की तरफ रहते थे, ठीक है ना. स्लैंड्स वर आउटवर्ड स्लोली, एंड जो रूफ इज पीक्ड एंड स्लैंड स्लोली आउटवर्ड, आउटवर्ड की तरफ से उनका स्लोप रहता था बिकॉज ऑफ योर स्नोई कंडीशन. ओके, तो ये आप याद रखना. आगे मूव करते हैं और देखें क्या अदर कुछ टेम्पल थे कुछ कुमाऊं रीजन के, जैसे हिमाचल वाला रीजन, तो उसमें जोगेश्वर अल्मोड़ा के पास एक है, चंपावत पिथौरागढ़ के पास है, और नगरा, ये भी नगरा को ही रिप्रेजेंट करते हैं. अब हम बात करते हैं द्रविड़ा और साउथ इंडियन टेम्पल स्टाइल की. तो द्रविड़ा जो टेम्पल है उनमें एक बाउंड्री वॉल, आउटर बाउंड्री वॉल जिसको कंपाउंड वॉल रहती, वो ज़्यादा मिलता है. एंट्रेंस जो रहता है उसको गोपुरम कहलाता है, ठीक है. ये भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है द्रविड़ा की, अब टर्मिनोलॉजीज में हम आ गए हैं. तो एंट्रेंस जो रहता है गेटवे में, इनिट सेंटर, उसको गोपुरम कहते हैं. एंड इसमें जो पीक्ड एलिमेंट था, जैसे मैंने आपको बताया था इसमें शिखर रहता था, यहाँ पे वो तमिलनाडु में विमान कहलाता है. शिखरा नहीं होगी, ये विमान कहलाता था, ठीक है ना. एंड ये स्टेप्ड पिरामिडल में रहते. देखो ज़्यादातर अगर आप साउथ इंडियन टेम्पल देखो इस तरीके फॉर्म में रहते हैं, इस तरीके आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, तो वो पिरामिड रहते हैं, ना कि इस तरीके से ज़्यादा उसमें नहीं रहते वो, मतलब ये उस फॉर्म में रहते हैं, समझ रहे ना, कि
मैं आपको दिखाऊंगा, जब बना हुआ टेंपल दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आपका मीनाक्षी टेंपल का अगर आपको आर्किटेक्चर याद हो तो बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा ट्राइंगुलर शेप नहीं आता है, ट्राइंगुलर शेप नहीं आता, राधा दैन एक पिरामिडल, स्टेप्ड पिरामिडल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और जो शिखर है साउथ इंडियन टेम्पल में, शिखर वर्ड जो होता है वो केवल और केवल क्राउनिंग एलिमेंट के लिए होता है, क्राउनिंग एलिमेंट के लिए केवल जो वर्ड है शिखर। और नॉर्थ इंडिया टेम्पल में पूरा जो ये एलिमेंट, ये जो पूरा पार्ट था ये पूरा शिखर कहलाता था, लेकिन साउथ इंडिया में केवल ये जो क्राउनिंग एलिमेंट है वो शिखर कहलाता है, ठीक है ना। और ये जो पार्ट है वो विमान कहलाता है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस जरूर याद रखना कि नॉर्थ इंडिया में पूरा का पूरा जो कर्व है, पूरा का पूरा जो कर्व इनवर्ड जा रहा है वो पूरा शिखर कहलाता है, लेकिन साउथ इंडिया में केवल क्राउनिंग एलिमेंट शिखर कहलाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो नीचे वाला पार्ट है वो आपका क्या कहलाता था, मैंने क्या बताया, विमान कहलाता है, ठीक है ना। एंड आगे मूव करते हैं, गंगा एंड यमुना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मिथुनास की इमेजेस मिलेगी एंड रिवर गॉडेसेस, जैसे गंगा एंड यमुना इन साउथ यू विल जनरली फाइंड स्कल्पचर्स ऑफ फियर्स द्वारपाला। तो गंगा यमुना जो था वो आपका नॉर्थ इंडिया में, बताया था कि गंगा यमुना जो रिवर गॉडेसेस हैं वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा आपको मिलती हैं। गंगा यमुना आपका नॉर्थ इंडिया का नगरा स्टाइल का आर्किटेक्चर है। वहीं पे अगर आप साउथ इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे द्वारपालाज मिलते हैं, ये भी मैंने आपको बताया ना कि द्वारपालाज मिलते हैं। तो द्वारपाला, फियर्स द्वारपालाज यू विल फाइंड इन द सदर्न इंडिया और द्रविड़ आर्किटेक्चर। एंड इट इज़ कॉमन टू फाइंड अ लार्ज वाटर रिजर्वायर और टेम्पल टैंक, टेम्पल टैंक या टेम्पल वाटर रिजर्वायर आपको जरूर मिलेगा। तो ये आपको देख रहे हो, जो सबसे बाहर आपका गेटवे है, देखो गोपुरम है, देन मंडपा है, यहाँ पे मंडपा एज इट इज़ है, फिर आपका ये शिखर, ये केवल और केवल शिखर जो है वो आपका क्राउनिंग एलिमेंट के लिए शिखर यूज़ हो रहा है, रादर ये जो पार्ट है ये विमान कहलाता है। तो उठने वाला पार्ट विमान है और केवल जो ऊपर टॉप का क्राउनिंग एलिमेंट है वो शिखर है साउथ इंडियन टेम्पल में, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको याद रखना। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था ना, ये प्योर ट्रायंगुलर नहीं रहते, देखो ये इस तरह से रहते हैं, कुछ इस तरीके से पिरामिडल रहते हैं, देखो है ना, दिख रहा है ना, इस तरीके से रहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि इसका रहता है साउथ इंडिया के टेम्पल्स में। एंड दे यहाँ पे जो अलग अलग शिखराज रहते हैं या अलग अलग विमान रहते हैं, दे राइज टुगेदर एज अ क्लस्टर, ओके। यहाँ पे क्या आता है, अलग अलग फॉर्म में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे अलग अलग फॉर्म में ज़्यादा रहते हैं। और गर्भगृह जो रहता है वो ज़्यादातर यहाँ पे छोटे में रहता है। हमने देखा था कि नॉर्थ इंडिया में जो रहता था, नॉर्थ इंडिया में जो मेन डीटी जो गर्भगृह रहता था वो सबसे बड़ा वाला जो विमान रहता था उसमें रहता था, सबसे बड़ा वाला जो शिखर रहता था उसमें रहता था। लेकिन साउथ इंडिया में अपोजिट है, साउथ इंडिया में छोटे वालों में ज़्यादा रहते थे, क्यों, क्योंकि छोटा वाला सबसे पुराना बना रहता था, बाद वाला पार्ट बाद में बनता है इसलिए बड़ा बनाया जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल इनकी जगह है जैसे कांचीपुरम है, थंजावुर है, तंजोर है, मदुरई है, कुंभकोणम है, ये सब इंपॉर्टेंट टेंपल्स हैं जो कि यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। और यहां पे बेसिकली पांच डिफरेंट शेप्स में डिवाइडेड है जो टाइप है यहाँ पे, इनके सब डिवीजन नगरा के हमने बताया था ना, रेखा प्रसाद जो लैटिना स्टाइल था, उसके अलावा मैंने वल्लभी बताया था, उसके अलावा फमसाना बताया था। यहाँ पे पांच सब डिवीजन्स हैं, पांच सब डिवीजन्स में एक आपका आता है स्क्वायर, इसको कुता बोलते हैं, कुता और स्क्वायर, ओके कुता। दूसरा है कटुरासरा, ओके कटुरासरा दूसरा वाला है, ओके ये पहला वाला ही है। दूसरा रेक्टेंगुलर और शाला, आयतसरा इसको कहा जाता है, रेक्टेंगुलर या शाला या आयतसरा, ठीक है ना। स्क्वायर वाला क्या कहलाता है, कुता, और इसका दूसरा नाम है कटुरासरा। दूसरा है रेक्टेंगुलर जिसको बोलते हैं शाला और आयतसरा। तीसरा है एलिप्टिकल जिसको गज पृष्ठ भी कहा जाता है और एलिफेंट बैक भी कहता है, और इसको वृत्तायत भी कहा जाता है, ओके। इसके अलावा आपको मिलेगा वॉल्टेड शेप ऑफ एप्साइडल चैट, जैसे उस तरह का शेप रहता है। इसके अलावा नासी कहलाता है, नासी, और सर्कुलर वृत्त कहलाता है, ठीक है ना। ऑक्टागोनल, अष्टाश्रा, ओके। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपका ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। देखो थोड़ा सा वहाँ पे स्लिप ऑफ टंग हो गई थी इसलिए दोबारा इस बार रिवाइज करा देता हूँ। पहला जो शेप है वो है स्क्वायर, जिसको कुता बोलते हैं, कतुरासरा बोलते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर, कुता, कतुरासरा। दूसरा है रेक्टेंगुलर जिसको शाला या आयतसरा कहा जाता है। तीसरा है एलिप्टिकल या गज पृष्ठ कहते हैं, गज पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। इसी में एक हॉर्स शू शेप्ड भी रहता है एंट्रेंस, जिसमें नासी कहा जाता है, ठीक है ना, नासी हॉर्स शू शेप्ड एंट्रेंस होता है, लेकिन वो एप्साइडल इसी के अंदर आता है, मतलब कि आपका एलिप्टिकल के अंदर ही आता है, हॉर्स शू शेप्ड की अगर रहेगी उसको नासी कहेंगे। चौथा जो है वो है वृत्त या सर्कुलर, सर्कुलर या वृत्त। पांचवा जो है वो ऑक्टागोनल और अष्टाश्रा है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पांच होते हैं, शेप के हिसाब से रहते हैं बेसिकली शिखर के, तो उसके हिसाब से उसको बनाया जाता है विमान के शेप के हिसाब से, ठीक है ना।
जो अर्लीस्ट रॉक जो आपके टेम्पल्स मिलेंगे साउथ इंडिया के, वो रॉक कट मिलेंगे, मतलब एक रॉक रहता था उसको कट करके अलग अलग टेम्पल बनाया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो बनाया गया है महेंद्र वर्मन वन द्वारा, यानी कि उस समय चालुक्यंस आपके यहाँ पे रूल कर रहे थे डेक्कन में, और महेंद्र वर्मन वन जो था उसने एक तरीके से इसको बनाने की शुरुआत की, जो रॉक कट है। और इंपॉर्टेंट इसमें आपका आगे आगे बताऊंगा रथ टेम्पल जो होते हैं, महाबलीपुरम में एक शोर टेम्पल है, महाबलीपुरम में वो भी एक रॉक कट टेम्पल ही है, महाबलीपुरम का शोर टेम्पल जो है, ठीक है ना। नरसिंह वर्मन वन जो है उसको कहते हैं ममल्ला, उसका दूसरा नाम है ममल्ला। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यूपीएससी में कि ममल्ला किसे बोलते थे, तो नरसिंह वर्मन वन को ममल्ला कहा जाता था। ये पल्लवा थ्रोन में आए, पल्लवा रूलर था, याद रखना नरसिंह वर्मन वन, ममल्ला कहते हैं, ये पल्लवा किंग था। 640 एडी में आया और इसने बहुत ज़्यादा टेम्पल्स को बनाया, बहुत ज़्यादा टेम्पल्स को इन्होंने वो किया। And avenging the defeat his father had suffered at the hands of Pulakesin II and inaugurating most of the building work at Mahabalipuram, which are known after him and known as Mamallapuram. तो महाबलीपुरम की जो temples mainly हैं उनको ममल्लापुरम भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि नरसिंह वर्मन वन के time पर ही इन्होंने बनवाया था। शोर temple महाबलीपुरम में भी है, उसको नरसिंह वर्मन टू ने बनवाया था, जिसको राजा सिम्हा कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो नाम याद रखना, जब हम बात कर रहे थे ना पल्लवा में, दो नाम याद रखना, नरसिंह वर्मन वन का जिसको हम बोलते हैं ममल्लापुरम, महाबलीपुरम में उसने बनवाया, नरसिंह वर्मन टू जिसने कि शोर टेम्पल बनवाया, तो शोर टेम्पल नरसिंह वर्मन टू ने बनवाया और उसको राजा सिम्हा भी कहा जाता है, ठीक है ना। इट इज ओरिएंटेड टू द ईस्ट फेसिंग द ओशियन, ओरिएंटेड टू द ईस्ट फेसिंग द ओशियन। यहाँ पे एक थंजावुर में इंपॉर्टेंट टेम्पल है राजराजेश्वर और बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि थंजावुर में है, राजराजेश्वर और बृहदेश्वर टेम्पल, इसको राजा राजा ने बनवाया था, ओके। राजा राजा चोला डायनेस्टी के थे ये, तो इन्होंने 1009 एडी में इसको बनवाया था, राजराजेश्वर टेम्पल या बृहदेश्वर टेम्पल, ये आपका राजा राजा चोला ने बनवाया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल है। यहाँ पे महाबलीपुरम में जो मैं बात कर रहा था पल्लवा की, वो थे पांच रथ बनवाए थे उन्होंने, जिनको फाइव रथास कहा जाता है, पंचरथ कहा जाता है, पंचरथ टेम्पल कहा जाता है, महाबलीपुरम में है, पांडवों को रिप्रेजेंट करता है, द्रौपदी का भी एक रथ है इसमें बनाया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। डेक्कन के आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे अलग स्टाइल डेवलप हुई जिसको हम बोलते हैं वेसारा स्टाइल, ओके। यहाँ पे जो आर्किटेक्चर स्टाइल डेक्कन की डेवलप हुई उसमें नगरा के भी कैरेक्टर्स आ गए और द्रविड़ा के भी, ये मिक्सचर कैरेक्टर्स थे और इस कारण से इनको बोला जाता था कि हाइब्रिड कैरेक्टर्स है, इनको वेसारा स्टाइल कहा जाने लगा, ठीक है ना, वेसारा स्टाइल कहा जाने लगा। और यहाँ का वेस्टर्न आर्किटेक्चर का ये डेक्कन आर्किटेक्चर सबसे बड़ा टेम्पल जो है वो है एलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल, जो कि राष्ट्रकूटा के टाइम में बना, कैलाशनाथ टेम्पल आपका बना राष्ट्रकूटा के टाइम में, ओके सॉरी। तो याद रखना कि जो बेसिकली कैलाशनाथ टेम्पल है एलोरा का, उसको एट्रीब्यूट किया जाता है राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा वन को, ओके। कृष्णा वन ने लगभग 750 ईडी के आसपास को बनवाने का ज्यादा काम किया था, ठीक है, तो ये याद रखना। एंड और यहाँ पे भी काफ़ी कुछ आपको आर्किटेक्चरल स्टाइल में देखने को मिलेगा, कैलाशनाथ टेंपल जो एलोरा का है उसमें काफ़ी आपको मिक्स फीचर्स देखने को मिलेंगे। इन द सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन दैट इज इन द रीजन ऑफ कर्नाटका इज वेयर सम ऑफ द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल हाइब्रिड स्टाइल्स ऑफ वेसारा आर्किटेक्चर आर फाउंड। तो यहाँ पे जैसे कि बदामी के जो टेम्पल्स हैं, यानी कि ये वाला जो रीजन है ना, जो आपका बदामी विरूपक्ष वाला जो रीजन है, ऐहोल वाला जो रीजन है कर्नाटका का, जैसे कि कर्नाटका में रावण पहाड़ी केव्स हैं ऐहोल में, ओके, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको वेसारा स्टाइल का एक्सपेरिमेंटल टेंपल देखने को मिलेगा। तो ऐहोल वाला जो रीजन है वहां पे आपको वेसारा स्टाइल काफी कुछ देखने को मिलेगी, ओके तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बताया। और हाइब्रिडाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेवरल स्टाइल्स वर द हॉलमार्क ऑफ चालुक्यन बिल्डिंग। तो चालुक्यन बिल्डिंग्स का भी हॉलमार्क यही था कि वहाँ पे भी आपको काफ़ी कुछ वेसारा स्टाइल जैसी चीज़ें मिलेंगी मिक्सचर की। द मोस्ट इलेबोरेट ऑफ ऑल द चालुक्यन टेम्पल्स इज द पट्टाडकल मेड इन द रीन ऑफ विक्रमादित्य टू। तो पट्टाडकल, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है इसलिए बता रहा हूँ कि इसके कुछ बेसिक फीचर्स भी याद रखना। जैसे पट्टाडकल आपसे पूछे कि कौन सी रिवर के आसपास है, तो इसमें मालप्रभा रिवर है, मालप्रभा रिवर है, ये इंपॉर्टेंट है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, कर्नाटका में लोकेटेड है, याद रखना कर्नाटका में लोकेटेड है पट्टाडकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चालुक्यन है। और इसमें मेन मैंने क्या बताया आपको कि आपको किसका फीचर मिलेगा, आपको वेसारा का फीचर मिलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा ऐहोल में ही आपको दुर्गा टेम्पल मिलेगा, दुर्गा टेम्पल एप्साइडल श्राइन है, वहाँ पर भी आपको काफ़ी मिलेगा जो वेसारा आर्किटेक्चर का, आपको काफ़ी फीचर मिलेगा ऐहोल में भी, ठीक है ना। विरूपक्ष टेम्पल जो है वो भी आपका पट्टाडकल में है, ये कर्नाटका में ही लोकेटेड है विरूपक्ष टेम्पल भी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी
फीचर्स हैं आपको वो कंबाइंड फीचर्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट है ये हमने डिस्कस कर लिया। बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे कि बुद्धिस्ट जैन आर्किटेक्चर का जो डेवलपमेंट है और बाकी जो चीज़ें हैं, वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब और कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।